हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक आइस क्यूब शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। और आप इसको इस समर आप लगाएंगे तो आपकी जो टैनिंग हो रखी होगी, आपके फेस पर जो दाग धब्बे होंगे या आपके फेस पर किसी तरह की पिगमेंटेशन के निशान वगैरह होंगे, जितने भी सन टैनिंग, तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी। और अगर आप ये हमेशा रेगुलरली यूज़ करते रहे तो आपकी जो झाइयाँ और दाग धब्बे होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग आइस क्यूब है, आप इसको ज़रूर बनाएं। आपके जो घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं के साथ में बनाना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने पहले भी आप लोगों को बना के दिखाया था एक आइस क्यूब, वो बहुत ही अच्छा था तो, और बहुत ही बढ़िया था वो भी, बहुत अच्छा काम करता है। और सभी की स्किन एक जैसी नहीं होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने अलग अलग तरह की चीज़ें बनाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सभी की स्किन को ये चीज़ें सूट करें। तो अगर वो वाला आप किसी को सूट नहीं किया हो तो शायद ये अच्छा रहे, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। और प्लस आप इसको रेगुलर जब कहीं से आते हो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो जैसे ही कहीं से बाहर से आते हैं, सन के डायरेक्ट उसमें रहते हैं कांटेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा सन टैनिंग हो रखी होती है, आपकी स्किन बिल्कुल डल। अभी मेरा फेस आपको बाद में दिखेगा, अभी जो मैं दिखाऊंगी जब मैं लगा रही होंगी तब मेरा फेस कैसा था। उसके बाद मैंने जब लगाने के बाद फिर मैंने अपने फेस पर थोड़ा सा बस कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक कॉम्पैक्ट लगाया है और क्या कहते हो कि लैक्टोकैलामाइन लोशन लगाया है और अपने आईज़ पर आई शेडो लगाया है और कुछ नहीं लगाया मैंने। और लिप कलर तो मैं लगाती ही हूँ या फिर लिप बाम लगा लेती हूँ, तो बस इतना ही है और मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा करती हूँ। और काजल भी मेरा पहले से ही लगा हुआ था तो बस उसको ही थोड़ा ठीक कर लिया है। और आप खुद भी देख लीजिए और ये बहुत ही बढ़िया है और आपकी स्किन पर भी अच्छा वर्क करेगा। अगर आपको हाथों पर हो रखी होगी, हैंड्स पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो, बैक पर भी अप्लाई कर सकते हो, आप अपने जहाँ मतलब इसको अप्लाई करके आपको छोड़ देना है थोड़े देर के लिए, जब वो आपकी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश और दिख जा लगाते ही लगाते आप मसाज करेंगे ना, तभी आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाएगी। मतलब हाइड्रेट तो इन द सेंस नहीं, हाइड्रेट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो आपकी स्किन का जो टेक्सचर होगा, जो डलनेस होगी, वो एकदम से रिफ्रेश हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स की समस्या है एंड ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से फेस करनी होती है, खास करके स्पेशली समर्स में, तो अगर वो ये यूज़ करेंगे ना तो उनका डेफिनेटली ऑयल कम हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि जो ओपन पोर्स होते हैं तो वो जो आइस क्यूब होता है तो उसको श्रिंक कर देता है ओपन पोर्स को। तो आप ये इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आप दोनों को ही यूज़ करके देख सकते हो, कभी आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, कभी ये वो वाला भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने बना चुकी हूँ। आप वीडियो जो मेरे वीडियोस हैं आगे रिचा रॉय मेरे चैनल पर जाएंगे आप, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जब आप उसको भी ट्राई कर लीजिए और इसको भी बनाइए तो आपको अच्छा लगे तो ये ज़रूर, आपको इस चीज़ पर अच्छे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये किस तरह अच्छी लग रही है चीज़ें कि नहीं। चलिए देख लीजिए पहले कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। तो मुझे इस आइस क्यूब के लिए हमें चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसको ले रही हूँ, और टमाटो को मैंने ऐसे ही बड़ा बड़ा सा काट दिया, एक टमाटो लिया है मैंने, और मैं कुकम्बर ले रही हूँ, पील के साथ ही ले रही हूँ। एक आधा कुकम्बर था मेरे पास तो मैंने उसको ही कट कर लिया है, और एक पटेटो ले रही हूँ, इसको भी मैं पील के साथ ही ले रही हूँ, और इसी तरह से मैंने काट लिए हैं इसको। और अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर रफली ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंडिंग में ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में डालकर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, ये आइस क्यूब बहुत ही बढ़िया सा बनता है। और इसका मुझे जूस चाहिए तो मैं इसको स्क्वीज कर लूँगी सारी चीज़ों को डालकर, तो मैं सब चीज़ें इसमें एक साथ कर देती हूँ, सब एक ही साथ मैं ब्लेंड कर लूँगी और आराम से पीस लूँगी सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर।
तो जब तक ये फाइन पेस्ट जैसा ना हो जाए, इसका जूस चाहिए हमें, तो ये जूस भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और जूस जूस मुझे चाहिए है, तो मैं अब इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। और मैं अभी आती हूँ ब्लेंड करके, और इसका मैं जितना भी जूस निकलेगा तो वह निकाल लूँगी। ज़्यादा मुझे आइस क्यूब नहीं बनाने हैं, सिर्फ 4-5 ही बनाऊँगी, जितने बन जाएँ उतना ही बनाऊँगी मैं। ठीक है, तो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये बना लिया है जूस, इसको निकाल लिया है ब्लेंडर में डालकर, निकाल के जूस अच्छे से ब्लेंड करके, और ये जूस निकाल लिया है मैंने। और ये देखिए इस तरह का रहता है, और मैंने वो पल्प रख दिया है। अगर चाहें आप भी रख दीजिए, और आप उसको फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, डाबर का, या फिर मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये मैंने घर पर ही बनाया था, तो मैं कभी कभी इसको भी इसमें ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैं अभी इसको ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही चाहिए तीनों चीज़ों के साथ। जो मैंने तीन चीज़ें ली हैं उन्हीं के साथ मैं इसमें बना लूँगी। और मैं इसमें कुछ प्लेन वाले आइस क्यूब भी हैं, तो मैं उनको भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इसमें मैं इतना ऐड करके, और जो बचेगा मैं उसको दूसरी ट्रे में ऐड कर दूँगी। और ये आइस क्यूब में मैंने पटेटो डाला है, तो आप पटेटो जूस तो वैसे भी यूज़ होता ही है, अगर आपके डार्क सर्कल हैं या फिर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और आपको सन टैन हो रखा है, तो टमाटो मैंने लिया है, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ये सारे जूसेस मैं ले रही हूँ। और एलोवेरा तो आपको पता ही है उसके गुणगान क्या करना है, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया होता है स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है तो वो हाइड्रेट भी कर देगा, और आपकी स्किन इससे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी स्किन पे अगर ओपन पोर्स होंगे तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे बल्कि, तो वो बहुत ही अच्छा आपको फ़र्क पड़ जाएगा इससे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो भी इससे कम हो जाएगी, ऑयलीनेस से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो चलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और मैं फ्रीज़र से निकाल कर फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस कितना डल डल सा लग रहा है, और मैं अभी धूप से आई हूँ, तो मैंने सोचा कुछ मैं बना के पहले से ही जाती हूँ। मैंने आपको, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया रखा है कि मैं कुछ दिनों पहले से ही बना कर जाती हूँ, जो भी कुछ लगाना होता है बाहर जाने से पहले। तो ये मैं आपको ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा आइस क्यूब है। इसको आप लगाएंगे अपने फेस पर तो आपका जो फेस है वो ग्लो तो करेगा ही, साथ ही आपकी जो स्किन में जितना भी डर्ट होगी, गंदगी होगी, वो भी निकल जाएगी, और जो स्किन आपकी रिजेनुएट हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी एकदम। और ये थोड़ा सा लगाते समय ठंडा रहेगा, और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि आप इसको एक मिनट, आप इसको उससे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे, मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं एक कपड़े की सहायता से कपड़े में इसको लगा डाल के और लगा लेती हूँ। तो जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ, जब तक मैं इसको मसाज करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें डाली है, एलोवेरा डाला है मैंने इसमें, और मैंने डाला है टमाटो डाला है मैंने, कुकुम्बर डाला है, और पटेटो जूस डाला है। तो मैंने सारी तीनों चारों चीज़ों के जूसेस वगैरह डाले हैं, और एलोवेरा का भी जूस ही ले लिया है। उसमें सारी सभी चीज़ों को मैंने दिखाऊंगी अभी आपको, पहले आप देख चुके रहेंगे तभी ये लगाना होगा। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो आपके ओपन पोर्स की समस्या होती है ऑयली स्किन वालों को, तो वो भी कम हो जाती है, और आपकी सन टैनिंग होगी तो वो भी सही हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो सन टैनिंग तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगी इससे। तो आप इसको डेफिनेटली आप अपने स्किन के लिए ज़रूर शामिल करें, बहुत ही अच्छा काम करता है। और मैं इसको आइज़ के पास भी इस तरह से रब कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ही माइल्ड सा है ये। और इसको जब ये आपका हो जाए, ये मसाज हो जाएगी जब आइस क्यूब की, तो आप इसको इस तरह ही छोड़ दें कुछ देर के लिए, और आपको फ्रेश बिल्कुल क्लीन फेस पर आपको इसकी मसाज देनी है।
कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ लिप बाम है मेरे फेस पर, मेरे लिप्स पर और कुछ भी नहीं है। और देखिए आप खुद भी देख सकते हो कि अब मैं जो मसाज कर रही हूँ उससे कितना अच्छा होता जा रहा है, फ्रेश सा होता जा रहा है मेरा फेस। कर लेती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा कर छोड़ दिया था इसी तरह से, और आपको अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा एक फ्लैश आउट करना है अपने फेस को, और फिर आप फिर से जो नॉर्मल जो आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो आप लगा लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, और ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपनी स्किन को ब्रीथ लेने दीजिए। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी कूल कूल हो जाती है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की वो सब दूर हो जाती है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको यूज़ ज़रूर करिएगा। चलिए मैं अभी मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह बनाया है और कैसे मैंने लगाया है, और आपको अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। बेल आइकन को आप हिट करेंगे तो मेरा जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप हर वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्री होता है, आप लाइक भी फ्री में ही कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी फ्री में कर रहे हैं, और जो शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, कितना लगेगा, उसमें कुछ भी नहीं लगने वाला। शेयर करेंगे तो जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें उतना ही, उसमें भी जैसे हम लोग कभी कोई भी चीज़ किसी को भेजते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी शेयर करना है इसमें, और कोई भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ गिव अवे में पार्ट लीजिए और हिस्सा बन जाइए इस चीज़ का, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों से कहिए शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके ही जाइए। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि ये फ्री होता है तो आप कर सकते हो सब्सक्राइब। तो प्लीज़ मेरे साथ में मेरे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे भी साथ रहिए, और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और मैं बहुत ही एफर्ट करके बहुत ही मन से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग जब तक मुझे मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर अगर आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब करेंगे, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे भी अपने फैमिली का मेम्बर बना लीजिए अपना, और मुझे भी बनने दीजिए और मैं भी बनाऊंगी आप लोगों को, तो आप मेरी फैमिली में ज़रूर शामिल हो जाइए। चलिए फ्रेंड्स, बाय, और अगर आपको मेरा थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय।